इसको मैं अभी आराम से प्यारे विवास तो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अल्लाह के फजल व करम से आप भी ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। जो मेरे बहन भाई दुख तकलीफ में हैं, अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ को जो है दूर करे, अपने घरों में हंसता मुस्कुराता रखे, जो बाहर है उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अदा करे। इसी नेक दुआ के साथ आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो विवास माशाल्लाह से आज मौसम देखें, फुल बारिश का बना हुआ है, जैसे बारिश आने वाली है। सुबह जो है हल्की हल्की सी बारिश आई भी, मौसम ठंडी ठंडी हवा चल रही है और गंदम देखे वो भी अरूज पा रहा है। कितनी प्यारी प्यारी है हरियाली हरियाली है गांव में। तो मेरे पीछे जो है आप देख रहे होंगे वहाँ का रेगिस्तान पड़ा है, मेरे घर से थोड़ा दूर है। लकड़ी मुल लेते हैं ना वो गीली होती है, आग जला जला कर थक जाते हैं। आज मैंने सोचा है कि मैं रेगिस्तान में जाऊँगी और लकड़ी लेने और वहाँ की सैर जो है रेगिस्तान की आपको भी कराऊंगी। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है। आज मैं लकड़ी लेने जा रही हूँ, यहाँ की लकड़ी बहुत ही गीली है, नीम आग खुद बल्दी भी नहीं, क्या करो थक वे ने रोटियाँ पका पका। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, तो कैसे हैं, उम्मीद करते हैं खैर खैरियत से व्यूअर, हम भी ठीक है। अम्मी आज जा रहे हो तो यहाँ पर मौसम भी खुशगवार बना हुआ है, कहीं बारिश ना आ जाए ठहरे रहेंगे। चलो आ जाएगी तो कोई बात नहीं, ठंडी ठंडी हवाएं, ठंडी ठंडी बारिश होगी तो कुछ नहीं है। जब कपड़े गीले होंगे तो तब पता चलेगा। मियां साहब चले सामान जल्दी जल्दी इकट्ठा करके, आज पैदल चलेंगे मजा आएगा। आपका जो मोटा पन्ना है वो भी उतर जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं है आपका है। तो अभी चलते है। मुजम्मिल भी साथ है। आज रेगिस्तान में जा रहे हैं और देखे गंदम ना यहाँ बहुत ही अरूज पा रहे हैं। आज पहली बार हम जा रहे हैं तो बारिश भी फुल बनी हुई है, अल्लाह पाक ना बस रहमत की बरसाए। यकीन मान मैं तो थक गई, मैं मियां साहब को बोल रही थी कि आप मोटे, मियां साहब आते ही लकड़ी को शुरू हो गए। ये ना देखें ये टोटली बटेरे पकड़ने वाली जाल है, तो इस ना त्रोड़ मुकम्मल ना पोत्रो ना ना त्रोड़, तो इसमें बटेरे पकड़ते हैं सुबह सुबह इसमें होते हैं। तो मैं जूती भी लह दी पई हूँ, जूती ना त्रोट बने नहीं दे रहे, जूती आदत करे नहीं आए, कपड़े तक रखे नहीं आए सर, हम ना चा पोत्र ढेड दी करने वाली मुश्किल वाली लग
लकड़ी कुछ भी नहीं बढ़िया, लकड़ी की पेन भी कह दी। तो बस आज ना शहर में आना बहुत ही मुश्किल पड़ गया, थक भी गए हैं और लकड़ी भी इतनी सी बना ली है, अभी पानी पीते हैं और घर चलते हैं। भाई वे नहीं आ जाए रेंगिस्तान रेंगे बदा दे चल भाई चलते हैं घर की तरफ, अभी दोबारा इधर नहीं आएंगे। पाँव को भी दर्द है, लकड़ी भी थोड़ी सी बनी है। बेगम यही बहुत है, शुक्र मंगे बस। हाँ शुक्र मंगे फिर आते हैं ट्रोट गए। हम ना रेत ना उड़ा मुश्किल महंगा पड़ गया जाना, सर में दर्द आंखों में रेत।